भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ताक्षयम् जाति पुष्पम् मधु सिद्धार्थ कावचा गण धूप इति आख्यातः सर्वभूत रुजापह, अर्थात पंचभूतात्मक पिंड एवं पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की विकृति है, रोग है, दोष है, असंतुलन है, उसको संतुलित करने के लिए गण धूप में गाय का घी, चावल, चमेली पुष्प, शहद, श्वेत सरसों एवं वच इनको मिश्रित करके हवन सामग्री बना करके और उसकी जब हम हवि प्रदान करते हैं और उससे उत्पन्न होने वाला जो धूम्र है वह धूम्र सभी प्रकार के यातनादायक पीड़ादायक रोगों को बहा ले जाता है और पंचभूतात्मक इस पिंड में और पंचभूतात्मक इस सारे ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है। तो आइए हम यज्ञ को अपनाएं। ऐसी जब घटनाएं घटती हैं उस दौरान पता चलता है कि यज्ञ की जो महिमा है वो कितनी उपयुक्त है, कितनी उपयोगी है। इसी प्रकार की एक घटना अजमेर में घटी। अजमेर में कोलेरा नाम का रोग बहुत बड़ी मात्रा में फैल रहा था और उस दौरान जहां पर यज्ञ हो रहे थे वहां पे बिल्कुल ही वो रोग ही नहीं आया, वो बैक्टीरिया जनित रोग होता है। तो यज्ञ करते हैं प्रतिदिन तो उससे वो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और उसका प्रभाव ही उस परिवारों के ऊपर नहीं पड़ा। तो उससे भी एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना सामने आई। इसी प्रकार की अलग अलग जगहों पे ऐसी अलग अलग घटनाएं काफी सारी हमारे सामने देखने को हमें मिलती है कि यज्ञ को करने से, हवन को करने से मौत के घाट उतारने वाली जो घटनाएं होती है उन घटनाओं से भी परिवार बच गए। और आज पोल्यूशन के कारण उम्र कम होने से लेकर के अलग अलग प्रकार की बीमारियों को होने से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन जिन परिवारों में जिन लोगों ने यज्ञ किया उनका सब का बचाव हुआ, वो सब निरोगी है। आज इतने पोल्यूटेड वायुमंडल में भी मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले, दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले ऐसे परिवार हैं जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं और पोल्यूशन का जो साइड इफेक्ट होता है उनके शरीर के ऊपर आज तक अभी तक देखने को नहीं। और कुछ परिवार तो ऐसे मेरे संपर्क में, डॉक्टर नवनीत जी, भाई सुरेश जी मुंबई में, इसी प्रकार अनेक कई ऐसे परिवार है जो पिछले 30 साल से, 10 साल से, 12 साल से अपने घर में प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं सुबह शाम छोटा सा, और उनके घर का मेडिकल खर्च 1 रुपया तक नहीं है 10-10 परिजन होते हुए भी। अन्यथा 10 लोग होते तो साल भर में बहुत बड़ा मेडिकल खर्च होता है, सर्दी जुकाम बुखार से लेकर, कोई ना कोई 10 लोग है तो कोई ना कोई एक आध व्यक्ति को साल में एक आध बार कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और उसका मेडिकल खर्च बहुत बड़ा होता है। जिस घरों में अग्निहोत्र यज्ञ हुए उन घरों में यह समस्या देखने को नहीं मिली। आप भी अपने घर में अपनाएंगे तो आप भी इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे आप बचेंगे, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे आपका बचाव होगा। रोगों से तो आप बचेंगे ही बचेंगे, रोगों से तो बचाव होता ही होता है, पोल्यूशन से तो बचाव होता है। जो 3 प्रकार के पोल्यूशन बताए मैंने, केमिकल प्रदूषण, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण और रेडिएशन, इन तीनों से बचाव होता है। उसके साथ साथ जो अन्य प्रदूषण पोल्यूशन है उससे भी हमारा बचाव होता है। उसके साथ साथ जब हम हवन करते, अग्निहोत्र करते, उसमें जो विशेष जड़ी बूटियां औषधियां हैं उसकी जब हम आहुति देते हैं और यज्ञ होने के पश्चात जब ये मेरे सामने अंगारे तैयार है, हवन हम कर लिया, अग्नि शांत हो, यह गूगल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है, इसको त्रिदोष सामक आयुर्वेद में कहा गया है। सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने की इसमें क्षमता होती है, सामर्थ्य होती है। अग्नि पुराण में कहा, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पाता दि मर्दना, घृत और गूगल का होम करने से सभी प्रकार के जो उत्पात होते हैं वो शांत हो जाते हैं। इस गूगल को थोड़ा सा घी में डुबो करके, घी से युक्त करके उसको आप अंगारों के ऊपर रखिए, वो मंद मंद से उससे धुनी उठेगी, वह जो धुनी होती है वह धुनी को लेने से स्ट्रेस,
तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के शरीर के कई सारे प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जो शांत हो जाते, दूर हो जाते, नष्ट हो जाते। इसकी सुरभि जब हमारे नासिका के माध्यम से हमारे भीतर जाती है तो गुड हार्मोन्स बनते हैं, और जब वो गुड हार्मोन्स बनते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो सेकंड के कुछ ही हिस्सों में हमारे पूरे शरीर में घुल जाते हैं और हमारे पूरे शरीर को निरोग्य करते हैं। इसको कहते हैं एरोमा थेरेपी, गंध चिकित्सा। आप सब लोगों ने सुना होगा या देखा होगा टीवी सीरियलों के माध्यम, जब कोई व्यक्ति बहुत ही उन्माद में है, बहुत पागलपन में तोड़फोड़ कर रहा है, उस समय डॉक्टर लोग उसको बेहोश करने के लिए रुमाल के अंदर थोड़ा सा स्प्रे करके उसको सूंघा देते हैं। एक बार सूंघाते ही वो बेहोश हो जाता है। जैसे एक बार सूंघाने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ऐसे ही एक बार यज्ञ की सुरभि सुगंधि लेने से उसमें हम जीवन का संचार कर सकते, उसको जीवन दे सकते हैं। क्योंकि ये जो सुरभि होती है या जो सुगंधि होती है उसको जब हम सूंघते हैं तो हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस आदि जो ग्रंथियां होती है वह ग्रंथियां विशेष रूप से प्रभावित होती है और गुड हार्मोन्स बनाती है। जैसे ही वो गुड हार्मोन्स बनते हैं वैसे ही वो तुरंत हमारे पूरे शरीर में खुल जाते हैं और शरीर को निरोग्यता प्रदान करते हैं, शरीर को स्वस्थ करने का कार्य करते हैं। हमारे हार्मोन्स के ऊपर ही पूरा शरीर, अर्थात केमिकल रिएक्शन के ऊपर हमारा पूरा शरीर का बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है। बैड हार्मोन से तुरंत हम बीमार हो सकते हैं और गुड हार्मोन से तुरंत हम खड़े हो सकते हैं जीवन। उसके लिए यह जो गूगल आदि की धुनी से लेकर के घृत की धुनी से लेकर के हवन, हवन में जो पुष्टिकारक सुगंधित रोग निवारक आदि जो औषधियां है उसकी आहुति देकर के हम अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध कर सकते हैं। ये कुछ बातें मैंने आरोग्य आदि की बात की, लेकिन यह एक चिकित्सा पद्धति है एरोमाथेरेपी, सभी प्रकार के रोगों को दूर करती, दोषों को दूर करती। हमारे सामने कई सारे केस आए जिन केसों में व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद भी वो उस गंभीर बीमारी से भी बाहर आ गए। मॉडर्न साइंस ने जहां पे हाथ खड़े कर दिए वह बीमारियां भी ठीक हो। मॉडर्न साइंस जिसको लाइलाज जिस बीमारी को कहते हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज कई प्रकार की होती है, जैसे सोराइसिस ऑटोइम्यून डिजीज, अपना ही सिस्टम विपरीत विरोध में कार्य करता है और धीरे धीरे वो चर्म रोग फैलता जाता है और भयंकर हो जाता है, उसको लाइलाज घोषित किया जो यज्ञ को करने से ठीक हो जाता है, यज्ञ की धुनी लेने से वो ठीक हो जाता है। इसी प्रकार एक बहन मुंबई में जिनको ऑटोइम्यून डिजीज की प्रॉब्लम हुई थी, अपने ही तकिया, अपने ही चादर, अपने ही कपड़ों से जो बैक्टीरिया होते उसी से उनको इन्फेक्शन हो जाता है और कोई एंटीबायोटिक दवा उनके शरीर में काम नहीं करती। तो एक बहन की ऐसी ही अवस्था थी, पिछले 6 महीनों से वो बेड के ऊपर थी, कई सारे प्रकार के एलोपैथी से लेकर के अलग अलग इलाज करा चुकी लेकिन ठीक नहीं हो रहा। उनको पता चला कि यज्ञ भी चिकित्सा पद्धति है उसको, और उनको बताया इस प्रकार से आप यज्ञ करना शुरू किए आपको आश्चर्यजनक लाभ। आप आश्चर्य करेंगे, जिस कमरे के अंदर वो बेड के ऊपर सोती रहती थी पिछले 6 महीने से उतर नहीं, नीचे नहीं उतरती थी, उनका स्नान, उनका बाथरूम आदि क्रियाएं, खाना पीना सब कुछ बेड के ऊपर हो रहा था। ऐसी अवस्था में आप आश्चर्य करेंगे, उस कमरे के अंदर प्रतिदिन आधा घंटा सुबह और सायंकाल यज्ञ करना प्रारंभ हुआ, 9 दिन के अंदर वह बहन खड़ी हो ऐसे, मतलब चमत्कारिक उदाहरण हमारे सामने आए कि यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव। क्योंकि जिन जड़ी बूटियों को हम अग्नि में डालते हैं वो अग्नि उसको अत्यंत सूक्ष्म कर देती है, अणु परमाणु के रूप में उसको कन्वर्ट कर देती है। यह एक नैनो टेक्नोलॉजी, अणु परमाणु के रूप में जो कन्वर्ट हुई औषधियां है वह वायुभूत हो जाती है, वायु के माध्यम से हमारे लंग्स तक, पहले तो सुरभि विशेष आती है, सुरभि से हमारे हाइपोथैलेमस आदि ग्रंथियां गुड हार्मोन्स बनाती है, उससे भी हमारी चिकित्सा होती है। दूसरा, वह पार्टिकल या गैसें हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में घुल जाती है और पूरे शरीर को कुछ ही समय में बहुत ही
प्रभावी रूप से प्रभावित करती है, उसका चिकित्सा के प्रभाव डालती और हमारे तन को स्वस्थ कर देती। ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति सूक्ष्म हुई इन औषधियों में होती। दूसरा, जब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं, उसकी जो अग्नि है, उस अग्नि से निकलने वाली जो रश्मियां, जैसे आप सूर्य की धूप में खड़े रहते हैं और सूर्य की रश्मियां आपके तन के ऊपर, आपकी नेत्र के ऊपर पड़ती है, तो डिप्रेशन से हम कभी युक्त नहीं होते, चर्म रोगों से हम युक्त नहीं होते, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से हमारा बचाव होता है, विटामिन डी आदि से लेकर के कई सारे प्रकार की ऊर्जाओं का संचार होता है। इसी प्रकार जब हम अपने घर में यज्ञ करते हैं और उसकी अग्नि को देखते हैं और उस अग्नि से निकलने वाली जो रश्मियां है, वो जब हमारे शरीर को स्पर्श करती है, तो हमारे शरीर के अंदर व्याप्त बीमारियां है वो तो दूर होती है। उसके साथ साथ हमारा आरोग्य विशेष रूप से बढ़ता है। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य इस यज्ञ में। इसी प्रकार से जब कोई रोग विशेष हो जाता है, तो आयुर्वेद में कहा है कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम् यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शान्ति अर्थम् तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद के अंदर जिन औषधियों का, जिन रोगों के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, उन औषधियों को लेकर के उसका हवन करने से, होम करने से वह बीमारी हमारी ठीक हो जाती है। हम निरोगीता को प्राप्त करते हैं, स्वस्थता को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग बीमारियों को दूर करने के लिए, अलग अलग बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए भी अलग अलग जो औषधियां हैं उसका हमें प्रयोग लेना होता है। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी विशेष रूप से इस प्रकार की चिकित्सा, अर्थात जो धूम्र चिकित्सा होती है, यज्ञ करते और उससे उठने वाला धूम्र और बाद में जो अंगारे हमारे पास है, जिसे मैंने गूगल रखा, उससे उठने वाली जो ध्वनि है, उस ध्वनि को यदि हम लेते हैं तो उसे ठीक होने वाले रोगों की पूरी सूची बताई है। रोग तो ठीक होती है, आरोग्यता के विषय में भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यज्ञ में आहुत या अंगारों के ऊपर आहुत द्रव्य की जो ध्वनि उठती है, उसको लेने से सिर का भारीपन दूर होता है, सिर दर्द ठीक हो जाता है, पीनस ठीक हो जाता है, पीनस साइनस जिसको हम बोलते हैं, आधा सीसी, आधे सिर में दर्द होना एक कॉमन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, वो भी ठीक हो जाता है। कर्णशूल, कानों में पीड़ा, दर्द हो जाता है। नेत्रशूल, आंखों की समस्या, आंखों में पीड़ा, दर्द होना, ये भी ठीक हो जाता है। खांसी, हिचकी, दमा, लोग सामान्य रूप से कहते हैं, ये समाज में सुनने को मिलता है, जब धुआं होता है, पार्टिकल बढ़ जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है, उससे रोग पैदा होते, अस्थमा दमा हो जाते हैं। यज्ञ का धूम्र लेने से और औषधीय धूम्र लेने से अस्थमा दमा भी ठीक हो जाता है। आयुर्वेद के चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों में भी इसका विस्तृत वर्णन है। उन रोगों को विशेष को ठीक करने के लिए हम धूम्र ले, यज्ञीय धूम्र, औषधीय धूम्र, ना कि पेट्रोल डीजल कोयला आदि जो मृत ईंधन है उसका धूम्र नहीं, जो उत्तम धूम्र जिसको कहा जाता है, श्रेष्ठ धूम्र कहा जाता है, औषधीय धूम्र जिसको कहा जाता है, गाय का घृत आदि से लेकर के जो अलग अलग औषधियां, उसका धूम्र लेने से अस्थमा दमा जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। गला घोटना, दांतों की दुर्बलता, अब आप विचार कीजिए दांतों से क्या अभिप्राय होता है यज्ञ के धूम्र से, लेकिन इतनी इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है, जिसके कारण से हमारी दांतों की दुर्बलता भी दूर होती है और जैसे मैंने कहा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से हमारा बचाव होता है। दांतों की लगभग लगभग प्रॉब्लम जो होती है वो बैक्टीरिया जनित होती है, बैक्टीरिया पनपते ही नहीं, पैदा होते ही नहीं, तो इस कारण से वो प्रॉब्लम ही हमारी नहीं होती। इसी प्रकार से नाक कान आंख से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसमें भी जैसे बताया लाभ हमें विशेष रूप से प्रदान करती है। इसी प्रकार कान नाक आंख से दोष जन्य पानी का बहना, नाक से दुर्गंध आना, दंत शूल, अरुचि, अनुग्रह, अनुग्रह कहते हैं जबड़े का बैठ जाना, कम मुख खुलना, उसको कहते हैं अनुग्रह, वो भी ठीक हो जाता है। मन्यास्तम, जिसको टोर्टिकोलिस बोलते हैं, जो गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कई लोगों को दर्द करती है और कई को दर्द नहीं करती, लेकिन टेढ़ी हो जाती है गर्दन, इसको कहते हैं मन्यास्तम, वो भी ठीक हो जाता है यज्ञ को करने से। पंडु, खुजली ठीक हो जाती है। कृमि,
चेहरे का पीला पड़ना, जो अलग अलग कृमि जन्य जो बीमारी होती है। कई लोगों ने मेरे को आकर के ये चीज बताई जिनको पेट से संबंधित समस्याएं रहती थी। अब ये एक आश्चर्यजनक बात है और एक विचारणीय बात है कि पेट में जो कीड़े होते हैं, कब्ज की जो प्रॉब्लम होती है, कब्ज की प्रॉब्लम, पेट के कीड़े आदि भी यज्ञ को करने से ठीक हो जाता है। और कई लोगों ने आकर के मेरे को बताया है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी और आपने जो कहा था, ऐसे ऐसे हमने यज्ञ किया, हमारी कब्ज की प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से सिस्टम के ऊपर प्रभाव डालता है, वो कहना तो एक अलग बात है, लेकिन ये प्रभाव हमने देखे, लोगों ने प्रैक्टिकल करके अपने सामने देखे। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी, जैसे कृमि जन्य जितने भी रोग होते वो भी दूर, आयुर्वेदों में भी इस वर्णन को हमें प्राप्त होता है। चेहरे का पीला पड़ना, जिसको हम पीलिया आदि कहते हैं, वो भी ठीक होता है। मुख से कफ निकलना, अर्थात ज्यादा थूक बनना, कफ बार बार आना, वो भी ठीक हो जाता है। स्वर भेद, गला बैठ जाना, गले से संबंधित प्रॉब्लम कई सारी प्रकार की हो जाती है। वो जो गले से संबंधित प्रॉब्लम होती है वह भी ठीक हो जाती है। गलसुंडिका, जिसको हम टोनसिल बोलते हैं, वह टोनसिल भी खत्म हो जाती है। उपजीविका, अर्थात जीवा के पास में एक गांठ सी बन जाती है, उसको उपजीविका बोलते हैं। यदि वो कुछ समय लगातार रह जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है और बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है, उसका भी बहुत जल्द शीघ्रता से इलाज करना पड़ता है, वो भी ठीक हो जाती है यज्ञ को करने से और औषधीय धूम्र का लेने से। सिर के बालों का जड़ना, बालों का पीला पड़ना और बालों का गिरना, वो भी ठीक हो जाता है। छींक आना, कई लोगों को कई प्रकार की, एक तो सामान्य छींक होती है, बार बार आती रहती है, कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, कुछ ऐसे अलग, एक वायुमंडल में रहते हैं और दूसरे वायुमंडल में जाते हैं तो छींक आने लगती है। कई लोग सूर्य की धूप में जाते हैं, थोड़ा सा रोशनी सी आंखों के ऊपर आती है, तुरंत छींक आने लगती है। कई लोग रोड रास्ते मार्ग पे जाते हैं, जो धुआं होता है, धूल उड़ती है, उसको देख करके तुरंत छींक आने लगती है। तो हर प्रकार के छींकों को दूर करने वाला होता है। अति तंद्रा, शरीर में भारीपन, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे, तो ऐसे ऐसे करते रहते, इसको कहते तंद्रा, मन का पूरी तरह से लगना नहीं। जड़ता, उसी का एक दूसरा नाम है जड़ता। जड़ता मानी, अब इस प्रकार से तो नहीं होता, लेकिन वो जो भी विषय को ग्रहण कर रहे, समझ रहे, वो कर रहे, उसमें पूरा स्पष्टता नहीं होती है, एक जड़ता सा रहता है, समझ में नहीं आता है, जिसको हम कहते हैं, वो भी यज्ञ को करने से ठीक हो जाता है और औषधीय धूम्र को लेने से ठीक हो जाता है। अति निद्रा आना, अब कई लोगों को बहुत नींद आती है, रात दिन सोते ही रहते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा नींद आती है, कोई भी कार्य करते तो वहीं पे सो जाएंगे, टेबल पे मुंह धर के। तो जिनको ज्यादा नींद आती है उसके लिए भी यह यज्ञ धूम्र, यज्ञ विशेष करके लाभकारी होता है। और यह भी कई लोगों ने मेरे को अनुभव बताए कि जिनको नींद नहीं आती थी, उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया, 2 दिन के अंदर उनको अच्छी से नींद आने लगती। ये भी एक बहुत बड़ी आश्चर्य। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन और नींद की गोलियां खिलाई जाती है दुनिया लोगों को, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से लेकर के नींद ना आना, बहुत बड़ी समस्या। आप यज्ञ को अपनाइए, इतनी शांतिपूर्वक आपको नींद आएगी, इतनी गहरी नींद आएगी, पूरा जीवन मेंटेन हो जाएगा, रोग दोष दुख कष्ट बाधा पीड़ा ये तो दूर होगी ही होगी, उसके साथ साथ आपको विशेष रूप से यह जो आरोग्य की बात है वह भी आपको प्राप्त होगी। तो ये बालों की कुछ बातें बताई, अति निंद्रा, तंद्रा, जड़ता, अति नींद आना और नींद ना आना, दोनों ही ठीक होता है। तथा बाल, कपाल, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, घ्राण, जीवा तथा कंठ का बल बढ़ जाता है। ये देखिए कितनी बड़ी बात बताती है। इसलिए हमारे वेदों ने कहा आयुर्यज्ञ ने कल्पताम, हमारी आयु यज्ञ के द्वारा समर्थशाली बनती है। हम यज्ञ करते हैं और उससे उठने वाला धूम्र और अंगारे जो हमारे सामने, उन अंगारों के ऊपर जब हम औषधियां डालते हैं, उससे उठने वाली जो ध्वनि है, धूम्र है, उस ध्वनि को, उस धूम्र को लेने से हमारी सारी इंद्रियों का बल बढ़ता है। जैसे मैंने यहां पे बताया, बाल, कपाल, श्रोत्र, श्रोत्र अर्थात हमारी कानों की सुनने की क्षमता बढ़ती है, त्वचा, चमड़ी की स्पर्श करने की क्षमता बढ़ती है, चक्षु, आंखों की देखने की क्षमता बढ़ती है, जीवा,
जीवा की चखने की क्षमता बढ़ जाती है, घ्राण सूंघने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, और कंठ के स्वर जो हमारी आवाज आती है उसका भी बल बढ़ जाता है। और इन्हीं सब का बल कमजोर होना बुढ़ापा होता है, और इन्हीं सब का बल को बना रहना ही युवावस्था कहा जाता है। वृद्धावस्था क्या है? वृद्धावस्था में क्या होता है? आंखों की देखने की क्षमता कमजोर हो गई, देख नहीं पा रहे हैं, कानों की सुनने की क्षमता क्षीण हो गई, चमड़े की स्पर्श करने की क्षमता क्षीण हो गई, जीवा की चखने की क्षमता क्षीण हो गई। इन सारी इंद्रियों की क्षमताओं का क्षीण होना ही बुढ़ापा है, और इन्हीं सारी इंद्रियों की क्षमताओं का बढ़ना ही युवावस्था है। आपकी उम्र बढ़ना बुढ़ापा या युवावस्था नहीं तय करता है। युवावस्था में ही चश्मे लग गए हैं, ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, हमारी जीवा स्वाद को ग्रहण नहीं कर पा रही, हमारी घ्राण गंध को ग्रहण नहीं कर पा रही, यही बुढ़ापा है। चाहे हमारी उम्र छोटी है लेकिन ये सारी चीजों से हम ग्रसित है तो हम बूढ़े ही है। तो युवावस्था को प्राप्त करने के लिए, बल को प्राप्त करने, ऊर्जा को प्राप्त करने, आरोग्य को प्राप्त करने के लिए, दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करने के लिए यज्ञ और यज्ञीय धूम्र के विषय में, विशेष रूप से आयुर्वेद की चरक संहिता में जो वर्णन है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तथा जत्रु से ऊपर होने वाले अर्थात गले से ऊपर की साइड होने वाले जितने भी रोग हैं, वात पित्त कफ जन्य जो रोग है, वो सभी प्रकार के रोगों से शांति और निरोग्यता मिलती है। अब विचार कीजिए, अग्निहोत्र चिकित्सा एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति है, बहुत बड़ा विज्ञान है। यज्ञ हमारे तन को तो स्वस्थ करता ही करता है, तन के साथ साथ हमारे मन को भी स्वस्थ करता है, हमारे मन को प्रसन्न कर देता है, आह्लाद करता है, स्वस्थ बना देता है, आरोग्यकारक बना देता है, निरोगी बना देता है। आदि और व्याधि दो शब्द आपने सुने होंगे। आदि है मन से संबंधित समस्या और व्याधि है तन से संबंधित समस्या। आदि और व्याधि दोनों से मुक्ति और समाधि से युक्ति हो जाती है, यज्ञ के साथ जुड़ी है। हवन कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए, इतनी शक्ति सामर्थ्य। यज्ञ हमें दृष्ट लाभ भी देता है और अदृष्ट लाभ भी प्रदान करता है। यज्ञ एक सुपर साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञ तन मन प्राण और पर्यावरण सब में संतुलन कायम करने वाला है। यज्ञ से जो ईश्वरीय शक्तियां देवीय शक्तियां है उनके साथ संबंध स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यति, देवी शक्तियों से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम। इसलिए हमारे प्राचीन काल में अग्निहोत्र प्रधान माना गया। अग्निहोत्र को करने से अश्वमेघस्य आप्ति कहा, अश्वमेघ यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है वह फल को यह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी शक्ति सामर्थ्य ऊर्जा इस अग्निहोत्र में, इस यज्ञ में है। तो आइए हम सब इस यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं, अपने तन मन प्राण पर्यावरण को पोषित और संतुलित करें। इसके लिए हम प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं। और आज आप सभी राजस्थानवासी भाई बहन इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं, आप भी अपने जीवन में यज्ञ को अपनाएं और तन मन प्राण और पर्यावरण के संरक्षण के साथ अपने जीवन को हम ऊर्ध्वारोहण की ओर आगे बढ़ाएं। आज इतना ही, इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हो मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ कि हम पहले हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसके बाद हम क्लास शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कैंसर जैसे जो पीड़ित हैं उन्हें हमने पूरी तरह से फ्री रखा है। तो वैसे ही सुनकर एक महिला हमारे यहाँ पे आई, तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर। उसके बाद में एक महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपके मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो एक महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा।
वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो एक महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो एक महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और एक महीना तो गुजर गया, जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है वो एक महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। तो यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।